अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी के लिए जो है राउट कंट्रोलर और मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट मॉडल को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और कैटेगरी मॉडल में इसको पेस्ट कर लेंगे। और सिंपली इसमें से हम डेटा को रिमूव कर लेंगे पूरा, फिलहाल के लिए पूरा का पूरा डेटा मैं रिमूव कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, देख सकते हैं आप, एम्प्टी हो गया। इसका नाम चेंज कर लेंगे, रेस्टोरेंट डेटा के बदले इसको कर देंगे कैटेगरी डेटा। और इस स्कीमा को आपको क्या करना है, नीचे पास कराना है, तो इस रेस्टोरेंट स्कीमा को कट करके कैटेगरी स्कीमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी, ये है कैटेगरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कैटेगरी का टाइटल रखेंगे और इसमें इसका टाइप रखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रिंग। रिक्वायर भी आप कर सकते हैं, रिक्वायर ट्रू, और एक वैलिडेशन मैसेज कैटेगरी टाइटल इज रिक्वायर। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी का इमेज भी रख सकते हैं, सो इमेज यूआरएल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें आप कोई भी डिफॉल्ट इमेज यूआरएल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट गूगल पे से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे, चलते हैं गूगल पे और इमेजेस, और यहाँ पर कैटेगरी के लिए कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं कैटेगरी, और इसमें तो कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, या कोई लोगो कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड लोगो कर लेता हूँ, फूड लोगो, ये वाला ठीक ठाक लग रहा है। कॉपी इमेज लिंक, चलते हैं वापस, और यहाँ पे डिफॉल्ट में इसको ऐड कर देंगे, सो डिफॉल्ट, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, दो ही वैल्यू है। आप चाहे तो इसके अंदर स्पेसिफिक आईडी भी बना सकते हैं और इसके बेस पे भी फिर यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है। टाइटल और इमेज यूआरएल हम रखेंगे, यूजर चाहे तो कैटेगरी का अलग से जो है इमेज यूआरएल ऐड कर सकता है, नहीं तो जो डिफॉल्ट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो करेगा। टाइटल में भी आप देख सकते हैं, सिंपल एक टाइटल है, यानी कौन सी कैटेगरी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, राउट्स और कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम कैटेगरी कंट्रोलर डॉट जेएस, और एक राउट भी क्रिएट कर लेंगे। सो राउट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल कैटेगरी राउट्स डॉट जेएस, और मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई राउट की फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई ओपन है, देखिए रेस्टोरेंट ओपन है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और कैटेगरी राउट में इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको कंट्रोलर का फंक्शन यानी कंट्रोलर का इंपोर्ट स्टेटमेंट रिमूव कर लेना है, बाकी यहाँ पर सेम रहेगा। और ये राउट्स जो भी है ना, इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे कैटेगरी को, शॉर्टकट में कैट लिख लेता हूँ, और राउटर का इस्तेमाल कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर इसके लिए भी रखेंगे हम सेम क्रिएट के नाम से, और इसमें भी हमको ऑथ मिडलवेयर चाहिए। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, ऑलरेडी इम्पोर्ट है तो डबल से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में एक फंक्शन, तो रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा, मैं इंटायर कोड कॉपी कर लेता हूँ, या फिर जरूरत नहीं है फ्रॉम द स्क्रैच ही क्रिएट कर लेते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो एक न्यू फंक्शन कमेंट बना लेंगे पहले, क्रिएट कैट, और यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हमने छोड़ दिया, और नीचे इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू फिर करली ब्रेसेस, और उसमें हम लिखेंगे क्रिएट कैट कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको, और कैटेगरी राउट के अंदर इसको इम्पोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट कैट कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगी, सेव कर लेते हैं इसको। और सर्वर डॉट जी एस की फाइल में भी इसका एक मेन राउट बना लेंगे, जैसे हमने टेस्ट ऑथ यूजर रेस्टोरेंट के लिए बनाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप इसके लिए भी बना लेंगे, एप डॉट यूज ऑफ फिर URL pattern API/V1/, फिर इसको कर देंगे हम कैटेगरी। उसके बाद में हमको हमारे राउट्स की फाइल को रिक्वायर करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर डॉट स्लैश, फिर राउट का फोल्डर अपने पास, और उसके अंदर है कैटेगरी राउट, तो ये फाइल को भी हमने इंपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है ना एसिंक कर लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंट्रोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे
सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ, ये है मैसेज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर इन क्रिएट कैट एपीआई। तो ये मैसेज हमने ऐड कर दिया, और साथ ही में जो भी एरर है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें गेट करेंगे यूजर से, तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसमें से हमको क्या चाहिए, मॉडल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट है टाइटल, इसके बाद में है इमेज यूआरएल। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए, और इसका वैलिडेशन भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं, वैलिडेशन शॉर्टकट में वैल लिखा मैंने, या फिर डी लगा देता हूँ आगे, वैलिडेशन कुछ शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा, इफ नॉट टाइटल, अगर हमको टाइटल नहीं मिलता है, और नॉट इमेज यू आर एल, और इमेज यू आर एल भी नहीं मिलता है, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देंगे, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी टाइटल और इमेज। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन। अब अगर हमको ये दोनों चीजें मिल जाती है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट न्यू कैटेगरी इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर कैटेगरी मॉडल का हमको इस्तेमाल करना है। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडल भी ऑटोमेटिकली टॉप पर इम्पोर्ट हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, सिंपली टाइटल को, और फिर उसके बाद में इमेज यूआरएल को यहाँ पे पास करना है, और इमेज यूआरएल ऑप्शनल है, तो इस इफ की कंडीशन में से इसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफॉल्ट में ऐड किया हुआ है, तो बार बार इसको पास कराने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू की मदद से इसको बता दिया। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट अपडेट करना है कि इसको, हमारे पास जो न्यू कैटेगरी है इसको हमको अब सेव कराना है, तो सेव फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस 201 समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कैटेगरी क्रिएटेड, और उसके बाद में न्यू कैटेगरी को यहाँ पर पास करा देंगे कि कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई है। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है जिसमें हम कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, तो आप पोस्टमैन में इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में टेस्ट कर लेंगे, तो एक न्यू फोल्डर हम बना लेंगे इस फूड ऐप के अंदर, थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, एड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी, और इसके अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट, सॉरी फोल्डर हो गया ये, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले शुरू, इसको हम कर लेंगे एड रिक्वेस्ट, इसके अंदर हमको क्रिएट के लिए करना है, सो क्रिएट कैट शॉर्टकट में लिखा मैंने, मेथड रहेगा इसका पोस्ट, और यूआरएल में प्रीवियस वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के बदले हमारे पास रहेगा कैटेगरी स्लैश क्रिएट। उसके बाद में हमारे पास है हेडर, तो लॉगिन कर लेते हैं पहले शुरू, यहाँ पर जो डेटा है ना उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन को भी रन कर लेंगे एक बार। तो आपको जाना है टर्मिनल में, और न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ से हमारे नोट सर्वर को रन कर देंगे, सो npm रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारा नोट सर्वर रन हो चुका है, पहले लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन, और यहाँ पे जो टोकन आ रहा है ना इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और फिर क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथराइजेशन लिखेंगे, ऑथराइजेशन स्टार्ट में आपको लिखना है बियरर, नेमिंग कन्वेंशन, उसके बाद में टोकन को यहाँ पर पास करा देंगे, उसके बाद में बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे पास रॉ डेटा, फिर जेसन सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, फर्स्ट रहेगा टाइटल, टाइटल में कोई भी लिख सकते हैं जैसे कि फास्ट फूड, और उसके बाद में इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल तो ऑप्शनल है तो इसमें हम पास नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे सिर्फ टाइटल से इसको टेस्ट कर लेंगे। साथ ही में MongoDB कॉम्पस को भी ओपन कर ले, और क्लाउड डेटाबेस से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी आपका डेटाबेस है उससे कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के बाद हमारे डेटाबेस का नाम है फूड ऐप, ये रहा, और इसके अंदर देखिए कैटेगरीज के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो मॉडल जैसे सेव होगा ना ऑटोमेटिकली एक कलेक्शन क्रिएट हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, अभी कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे, और चेक करेंगे कि हमारे पास कैटेगरी क्रिएट होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, और मैसेज भी आ चुका है कैटेगरी क्रिएटेड, और कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसको डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं कॉम्पस पर, तो
अभी देखिए कोई भी डेटा नहीं है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, एक डॉक्यूमेंट अपने पास क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप, फास्ट फूड, और डिफॉल्ट इमेज यूआरएल भी यहाँ पर शो कर रहा है बराबर से। तो सक्सेसफुली हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है और कैटेगरी भी सही से क्रिएट हो रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको गेट करने का ट्राई करेंगे और अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देखेंगे।